हेलो बच्चों, तो वेल हमने ये तो देखा कि ह्यूमन नॉलेज के इस प्रोग्रेस की कहानी में अल्फाबेट्स, या कह सकते हैं कि हाँ अल्फाबेट्स के यूज का जो है एक अलग ही जर्नी रहा है, राइट? यानी कि स्क्रिप्ट का जो है एक अलग ही जो है अलग स्क्रिप्ट की एक अलग ही कहानी रही है, न्यूमरल्स की एक अलग ही कहानी रही है, और फिर जो है इन न्यूमरल्स और स्क्रिप्ट का यूज करके कैसे लिखा जाए और लोगों तक जो है उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट किया जाए, इसकी भी एक अलग कहानी रही है, जो कि क्ले टेबलेट्स या फिर केव के वॉल्स से शुरू होकर और फिर जो है मॉडर्न पेपर तक आई है। लेकिन काफी समय तक इंसान को अगर कुछ भी लिखना होता था तो उसे अपने हाथों से लिखना पड़ता था, और अगर एक लिखी हुई चीज का दूसरी कॉपी का अगर दूसरा कॉपी तैयार करना हो तो फिर दोबारा उसे हाथ से कॉपी करना पड़ता था। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम होगा ना। अब इमेजिन करिए कि आपके क्लास की बुक हो और इस बुक को अगर किसी दूसरे बच्चे को देना हो तो आप हाथ से पूरा कॉपी करके दीजिएगा, तो पता चलेगा कई महीने तो इसको कॉपी करने में बीत जाएंगे, तब जाके सभी बच्चों को जो है बुक की एक एक कॉपी शायद मिल पाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंटिंग जो है वो भी एक बहुत बड़ा जो है एडवांसमेंट रहा है, ये बहुत बड़ी तरक्की एक रही है कि प्रिंटिंग की हेल्प से हम एक ही समय में लाखों कॉपीज तैयार कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए बुक अवेलेबल हो जाएगी, राइट? तो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग के डेवलप होने से पहले जितनी भी बुक्स वगैरह थी वो जो है काफी कह सकते हैं कि मेहनत करके हाथों से लिखी जाती थी, ओके? और ये जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस था। यही वजह थी कि बहुत ही कम किताबें होती थी उस जमाने में, और ये किताबें जो है वो काफी कॉस्टली होती थी, बहुत महंगी होती थी, और इसलिए जो है नॉलेज जो है वो आसानी से नहीं फैल पाता था, और सिर्फ कुछ ही लोग होते थे जिनको जो कि इन बुक्स तक पहुंच सकते थे या जिन तक इन बुक्स का एक्सेस जो है वो अवेलेबल था। अब आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो चाइना में डेवलप हुआ 500 क्रिश्चियन कॉमन एरा में आकर, ठीक है? यानी कि अभी से जो है मान लीजिए कि करीब 1500 साल पहले जो है चाइना में आर्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है वो डेवलप हुआ। अब ये आर्ट ऑफ प्रिंटिंग कैसा था, तो बेसिकली लकड़ी के ब्लॉक पर जो है वो पिक्चर वगैरह कार्व करते थे, उकेरते थे, और फिर उससे जो है वो प्रिंट किया करते थे। अब देखिए, इस तरह का प्रिंटिंग अगर कहिए तो अभी भी जो स्टाम्प या मोहर वगैरह यूज होता है ना, उसका यूज अभी भी जो है वो भी जो है मोटा मोटी उसी प्रिंसिपल पर जो है काम करता है, राइट? जैसे अभी मोहर वगैरह में देखते हैं ना कि अब तो खैर रबर का होता है कि जहां पर कि कुछ कुछ जो है लिखा रहता है और उसको आप इंक में डुबाइएगा, फिर उसको जो है पेपर पर आप ठप्पा मारिएगा तो पेपर पर वो प्रिंट हो जाता है ना, लोग कहते हैं मोहर लग गया। तो वेल सबसे पहले जो चाइना में जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग डेवलप हुआ 500 कॉमन एरा में, तो उसमें भी यही होता था कि लकड़ी के ब्लॉक्स पर जो है पिक्चर्स कार्व किए जाते थे, और फिर इन ब्लॉक्स में जो है इंक लगाया जाता था, और फिर इस ब्लॉक को जो है पेपर पर दबा के रखा जाता था। तो उस समय में इस टाइप का प्रिंटिंग जो है वो काफी पॉपुलर नहीं हुआ, क्योंकि चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो बेहद मुश्किल है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हेरोग्लिफिक्स या पिक्चर वाला जो स्क्रिप्ट है उसी से चाइना, कोरिया और जापान सबका स्क्रिप्ट डेवलप हुआ है। तो इसलिए जो है ये जो प्रिंटिंग मेथड था ये काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ उस समय में। अब ये जॉन गुटेनबर्ग थे जर्मनी के, जिन्होंने कि पहला प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 1455 में, यानी कि अगेन आज से जो है तकरीबन कितने साल पहले 550 ईयर्स पहले। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जितने भी रोमन अल्फाबेट्स थे ना उसके लिए उन्होंने जो है लेड का मॉल्ड या ढांचा तैयार किया, और उन्होंने हर एक लेटर का जो है कई सौ जो है इस तरह का मॉल्ड तैयार किया, फिर इन लेटर्स को जो है अरेंज करके वर्ड्स बनाए जाते थे। अब उसके बाद उस लेटर मोल्ड पर जो है इंक लगाया जाता था, और फिर ये मोल्ड जो है उसको हाथ की मदद से ही जो है पेपर या किसी स्मूथ सरफेस पर जो है दबाया जाता था, और जितना भी मोल्ड का यूज करके जो जो लिखा रहता था वो सब उस कागज पर या स्मूथ सरफेस पर जो है पूरा छप जाता था।
इन मोल्ड्स को रिसेट किया जा सकता था, इनको रीयूज किया जा सकता था बाद में कुछ और भी लिखने के लिए। ये कैसे पॉसिबल था? तो आपने देखा ना कि बेसिकली मान लीजिए कि आप जैसे कि अगर आप में से कोई स्क्रैबल या कोई इस टाइप का गेम खेलता है तो उसमें जो है अलग अलग अल्फाबेट्स मौजूद होते हैं, राइट। तो अब इन अल्फाबेट्स को जो है आप अलग अलग तरीके से रीअरेंज करके जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, राइट। तो अब एक बार अगर लिखा हो गया तो उस पेज को प्रिंट कर लिए, फिर जो है अगला पेज जो होगा अगले पेज के मैटर को जो है फिर ऐसे ही मोल्ड का यूज करके जो है पूरा सेट करेंगे, फिर अब उस पेज को छाप के उसकी कॉपी तैयार कर लेंगे, राइट। तो ये जो है गुटेनबर्ग का आविष्कार था, राइट। गुटेनबर्ग बाइबल जो है ये इस मेथड से प्रिंट होने वाली पहली बुक थी और इसे जो है शीप स्किन पर जो है प्रिंट किया गया था, कागज पर नहीं किया गया था। आजकल हम लोग प्रिंटिंग के लिए पेपर का यूज करते हैं ना, तो गुटेनबर्ग बाइबल जो है उसको शीप के स्किन पर जो है प्रिंट किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जो है इसने राइटिंग के फील्ड में जो है क्रांति ला दी है, क्योंकि अब जो है बेसिकली आप ज्यादा से ज्यादा बुक जो है कम से कम कीमत पे, कम से कम खर्चे पे जो है प्रिंट कर सकते हैं और बहुत ही लार्ज स्केल पर कर सकते हैं, है ना। एक बुक अगर रिलीज होती है तो उसकी लाखों कॉपीज बन जाती है। हर एक साल देखिए स्कूल के लिए बुक्स ही जो होते हैं वो कई लाख की संख्या में प्रिंट होते होंगे ना। अब आज से क्या आपको लगता है कि 1500 साल पहले ये इतना आसान होता? नहीं होता। इंडिया में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है वो 1556 में आया और पहला जो प्रिंटर था वो स्पेन का आदमी था जिसका नाम था, कुछ ज्यादा ही खतरनाक था नाम इसका, जोआओ डे बस्टमेंटे, आई होप दैट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो वेल ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग यू नो लाइक प्रिंटिंग टू इंडिया। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस का जो है प्रोग्रेस उससे आगे भी अब चलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो वो गुटेनबर्ग से कई जमाने आगे बढ़ चुका है। मॉडर्न प्रिंटिंग प्रोसेस जो है इसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है कलरफुल मैगजीन्स, न्यूज़पेपर या बुक्स को पब्लिश करने के लिए। और अब जो है हम बिना प्रेस के भी जो है प्रिंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं DTP या डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखिए स्कूल वगैरह में ही वर्कशॉप वर्कबुक वगैरह जो है वर्कशीट वगैरह सब प्रिंट करके आपको दिया जाता है ना, तो हम प्रिंटिंग प्रेस से तो प्रिंट करवा के नहीं लाते ना, राइट। हमारे पास जो ऑलरेडी मान लीजिए कि प्रिंटर मौजूद है, कंप्यूटर से कमांड दिया वो पेज प्रिंट होके निकल गया, राइट। तो प्रिंटिंग जो है इसने हमें काफी ज्यादा संख्या में बुक्स को पब्लिक तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है और साथ ही साथ जो है प्रिंटिंग ने नॉलेज के प्रिजर्वेशन और उसके स्प्रेडिंग को पॉसिबल बनाया है, राइट। नॉलेज को सुरक्षित रखने और उसको दूर दूर तक पहुंचाने में भी प्रिंटिंग प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में तो ई बुक्स या इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो हैं ये भी काफी ज्यादा सर्कुलेशन में है, है ना। ई बुक्स क्या होते हैं? तो वेल आप जो है इसे अपने टैबलेट पे या क्या कहते हैं ई बुक रीडर पर जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट। आप इसके लिए पे कर सकते हैं या फिर कई ई बुक्स जो है वो फ्री में अवेलेबल होती हैं, राइट। तो अब तो मतलब कि पेपर की जरूरत भी नहीं रही। अब देखिए नॉलेज को प्रेजेंट करने में, नॉलेज को दूर दूर तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा जो मोमेंट आता है वो है ब्रेल स्क्रिप्ट का, क्योंकि अभी तक जो भी राइटिंग का सिस्टम है हमारे पास, राइट, वो सब जो है उन लोगों के लिए था जो कि देख सकते थे, क्योंकि ये सारे सिंबल्स जो थे वो विजुअली जो है कह सकते हैं कि एक्सेसिबल थे। इन सभी सिंबल्स को आप देख के ही पहचान सकते थे और इनको जो है समझ सकते थे, राइट। अब 1829 में लुई ब्रेल ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट तैयार की उन लोगों के लिए जो कि देख नहीं सकते थे। तो लुई ब्रेल के सम्मान में ही इसे जो है ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें इस स्क्रिप्ट में जो लेटर्स हैं वो उभरे हुए डॉट्स के फॉर्म में बनाए जाते हैं, तो थिक पेपर पर, मोटे पेपर पर जो है उभरे हुए डॉट्स के फॉर्म में जो है ये लेटर्स तैयार किए गए हैं। तो उसने जो है 6 इस तरह के रेज्ड डॉट्स का यूज किया था अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और सभी नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहां पर जो है आपको बेसिक लेटर्स ए होगा तो एक उभरा हुआ लेटर होगा, बी होगा तो दो उभरा हुआ लेटर होगा वर्टिकली ऊपर नीचे, सी होगा अगर तो दो उभरा हुआ लेटर होगा लेकिन हॉरिजॉन्टली होगा, डी अगर होगा तो 3 उभरा लेटर होगा, दो जो है इधर हॉरिजॉन्टली गया और एक जो है इसके नीचे आ गया, ई अगर होगा
तो दो जो है उबड़ा हुआ पॉइंट होगा, लेकिन ये इस तरह है ना स्लैंटेड होगा। एफ अगर होगा तो इसका ये अरेंजमेंट होगा। तो इस तरीके से ब्रेल ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे कि ब्लाइंड जो लोग हैं वो भी अपने नॉलेज, वो भी जो है कोई किसी चीज को पढ़ सके, यानी कि अपने नॉलेज को बढ़ा सके, और उनके पास जो नॉलेज है वो भी वो दूसरों के पास ट्रांसफर कर सके। राइट, नंबर्स के लिए ये पर्टिकुलर जो है सिंबल्स यूज होने लगे, और इसके अलावा जो है ये स्पेशल साइन हो गए, लेटर साइन, कैपिटल साइन, न्यूमरल साइन, ये न्यूमेरिकल इंडेक्स साइन, लिटरल इंडेक्स, और ये हो गया इटैलिक साइन। राइट, तो जैसे कि यहाँ पर जो है ब्रेल में लिखा हुआ एक सेंटेंस है ये, जिसका कि सीधा मतलब होता है बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया रखिए। तो एक बार बताइए कि हेलन केलर जो है वो एक विजुअली चैलेंज्ड गर्ल थी, यानी कि उनके देखने की एबिलिटी उनके पास नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने पढ़ने और लिखने के लिए किस स्क्रिप्ट का यूज किया होगा? करेक्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट का उन्होंने यूज किया होगा। तो चलिए, अब ब्रेल स्क्रिप्ट के साथ जो है फायदा क्या हो गया कि बेसिकली अब वो लोग जो कि देख नहीं सकते हैं वो भी अब जो है पढ़ सकते थे। कैसे? तो बेसिकली फील करके। राइट, जो लोग नहीं देख सकते थे वो भी जो है इस ब्रेल स्क्रिप्ट को पढ़ सकते थे इन डॉट्स पर अपनी उंगलियां फिराकर, और जो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डॉट्स जो हैं वो डिफरेंट लेटर्स को प्रेजेंट करते हैं। अब आजकल तो मान लीजिए कि ऑडियो सीडीज भी आती हैं, तो बेसिकली कोई अगर नहीं देख सकता है तो वो जो है ऑडियो सुन के जो है उन सभी चीजों को जान सकता है। इस तरह के सीडीज जो थे वो हैं वो टॉकिंग बुक्स कहलाते हैं। तो जो विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि देख नहीं सकते, तो वो जो है इन टॉकिंग बुक्स का जो है यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। अब तो खैर देखिए, कंप्यूटर के साथ जो है बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, है ना, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, वो आपको सब कुछ पढ़ के सुना देगा, बस आप सेलेक्ट करिए, है ना, और वो जो है आपको स्पीक आउट करके पूरा सुना देगा। आजकल के समय में ब्रेल टाइपराइटर्स भी अवेलेबल हैं, तो यानी कि आप उस पर जो है टाइप कर सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें, और वो ब्रेल स्क्रिप्ट में ही जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगा। तो इन सभी चीजों ने ये प्रूव कर दिया है कि सॉरी, ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट वगैरह हैं या फिर जो ये टॉकिंग बुक्स या ऑडियो बुक्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं उन लोगों के एजुकेशन में काफी यूजफुल साबित हुई हैं जो कि देख नहीं सकते हैं। अब चलिए, हम लोगों ने जो है लिखने, आई मीन हम लोगों ने जो है लैंग्वेज डेवलप कर ली, हमने स्क्रिप्ट डेवलप किया, हमने न्यूमरल्स डेवलप किए, हमने जो है पेपर की जर्नी पढ़ी, और साथ ही साथ जो है हमने प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के बारे में भी पढ़ा। लेकिन अब ऑफ कोर्स सब कुछ के बीच में एजुकेशन तो बड़ा रोल प्ले करेगा ना। आपके पास एजुकेशन होगी तभी ना आप पढ़ पाएंगे, आपके पास एजुकेशन होगी तभी ना आप अपने नॉलेज को लिख के जो है दूसरों को बता पाएंगे। राइट, तो इसलिए एजुकेशन जो है उसकी कहानी भी बहुत ही जरूरी है। एजुकेशन जो है वो बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। नॉलेज आपको कैसे मिलती है? एजुकेशन से, शिक्षा से ही आपको ज्ञान मिलता है। किसी परिवार के प्रोग्रेस के लिए या फिर सोसाइटी या कंट्री के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों को एजुकेशन दी जाए, सबको एजुकेशन इम्पार्ट किया जाए। अब इंडिया जो है वो हमेशा से लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसकी स्थापना इंडिया में हुई थी। ओके, अभी भी नालंदा नाम का जगह है, राइट, और वहां पर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष भी मिल सकते हैं। इस बीच में सरकार ने फिर से वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया है, लेकिन ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी ये दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। अब एजुकेशन जो है वो किसी भी नेशन के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए, अगर कोई देश जो है, अगर किसी देश के लोग अगर इलिटरेट हैं यानी कि अशिक्षित हैं, तो वहां पर कोई भी प्रोग्रेस यानी कि तरक्की पॉसिबल नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी जो है कई लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए हैं, यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए हैं जिनका उद्देश्य है कि लोगों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा दी जाए। लिटरेसी प्रोग्राम्स जिन्हें कि साक्षरता मिशन कहते हैं, जहां पर लोगों को अक्षर का ज्ञान होता है यानी कि लिखने पढ़ने का बोध होता है। तो इस तरह के लिटरेसी प्रोग्राम्स में एक तो हो गया एडल्ट एजुकेशन,
जहां पर कि जो बड़े उम्र के लोग हैं इनको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो है प्राइमरी लेवल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, ये भी गवर्नमेंट का मेन गोल रहा है ताकि देश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, साक्षरता को यानी कि लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा सके। लिटरेसी प्रोग्राम जो कि ईच वन टीच वन के स्लोगन पर बेस्ड है, ये भी जो है एजुकेशन को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। यार एक साक्षर व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का जिम्मा ले ले तो पूरा देश जो है वो तो बहुत जल्दी ही साक्षर हो जाएगा ना। एक टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है ये एक प्रिंसिपल प्रोग्राम है, ये एक आपका प्रमुख जो है कार्यक्रम है इलिटरेसी के इरेडिकेशन का, यानी कि निरक्षरता के उन्मूलन का, निरक्षरता को खत्म करने का। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था 1994 में, और ये जो है अब तक में 1,60,000 नए स्कूल्स तक पहुंच चुका है। एक जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम रहा है बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए वो है मिड डे मील्स प्रोग्राम, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2001 में लॉन्च किया गया था, और इसका गोल ये था कि 6 से लेके 14 इयर्स तक की एज के जितने भी बच्चे हैं सब स्कूल जाएं और 8 साल की स्कूलिंग वो जरूर कंप्लीट करें। बच्चों इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो हर एक साल 8th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है, और जिसका उद्देश्य होता है ये हाईलाइट करना कि लिटरेसी जो है वो व्यक्ति, समुदाय और समाज इन सब में कितना महत्वपूर्ण है। चलिए लैंग्वेज का, न्यूमरेसी का, सबका पूरा फायदा कब हो पाएगा? जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड होगी, जब उसके पास सफिशियंट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स होंगे, और इसके लिए गवर्नमेंट भी काफी काम कर रही है, हम स्कूल्स भी इसके लिए काम कर रहे हैं, राइट? सो लेट अस क्विकली रिकैप द नॉलेज दैट वी गेन इन दिस चैप्टर, कि इंसान को जो है अपनी बातों को शेयर करने के लिए, राइट, कुछ कह सकते हैं कि मीडियम की जरूरत थी, तो पहले वो जानवरों की तरह आवाजें निकालता था, बाद में उन्हीं आवाजों से उसने जो है ओरल लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट किया। लेकिन जब नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ गया, इंफॉर्मेशन जब काफी ज्यादा हो गया, तो ऐसे में जो है उसको अब लिखने की जरूरत महसूस हुई, और अर्ली मैन ने पहले पिक्टोरियल सिंबल्स का यूज किया अपनी बातों को लिखने के लिए या अपने इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है इंडिया में पढ़ी जा सकने वाली सबसे पहली लिपि है। नंबर सिस्टम जो है वो इंडिया में डेवलप किया गया था, खास करके जीरो और डेसिमल का कॉन्सेप्ट, राइट, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है वो भी इसी पर बेस्ड है। इजिप्शियंस जो थे उन्होंने पेपायरस नाम का एक रीड जो होता है उससे जो है पेपर तैयार किया था। अभी के समय में सभी तरह के पेपर जो है वो लकड़ी के पल्प से, वुडन पल्प से तैयार किए जाते हैं। पहले बुक्स वगैरह जो थे वो हाथ से लिखे जाते थे, और कॉपी जो है वो भी हाथ से ही तैयार होता था उसका। बाद में जो है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया जॉन गुटेनबर्ग ने। जो विजुअली चैलेंज लोग हैं, यानी कि जो देखने में जो है सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो है लुई ब्रेल ने एक लिपि तैयार की जिसे कि ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं। और एजुकेशन जो है वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? सो वेल दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से समझ चुके हो। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर करने का कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कितना समझ पाए। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट रहता है तो वी कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस लेटर। थैंक यू।